कंट्रोल वी, और ये क्या है T1, T1। अब देखिए मैं इसको जब लेबल कर रहा हूँ, अब इसको हम रन करते हैं, हमने इसको वो रिसाइज किया, वो वैसे ही चला है हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे हमने ट्रेन नहीं करना, यहाँ पर हमने ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग TRAIN, ट्रेनिंग ट्रेनिंग था ना हमारे पास मॉडल का नाम, ट्रेनिंग TRAIN ट्रेनिंग, क्योंकि जी हम सर, प्री ट्रेन ट्रांसफर लर्निंग को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो ट्रेनिंग हम लिखेंगे। अब ये देखें उसने इसको क्या क्लासिफाई कर दी है, उसने इसको वन पहले वाले में कर दिया है डेजी। ट्रांसफर लर्निंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इनपुट आ जाती है जो कि आपके प्रॉब्लम से रिलेट ही नहीं करती, वो क्या करेगा, वो उसको उन दोनों में से किसी एक को लेबल करेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बेस पर चल रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी जिसकी भी होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको आंसर दे देगा। तो ये है ट्रांसफर लर्निंग का ड्रॉबैक आप लोगों के पास। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, वो जो मैंने आपको मॉडल बना के भी दिखाया था उसके थ्रू जब मैं इमेज दे रहा हूँ, वो देखिए एनएन दे रहा है, नॉट अवेलेबल, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उससे बिलोंग ही नहीं करता। तो ये कुछ फर्क है ट्रांसफर लर्निंग के अंदर और जब हम दूसरा अपना मॉडल यूज करते हैं। तो ये आपने वो यहाँ तक क्लियर हो गया जी सबको, जी सर, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई सेशन हम रखेंगे उसमें फिर इंशाल्लाह LSTM को मैं कोशिश करूंगा कि कोई डेटा सेट के ऊपर ना, रिग्रेशन डेटा सेट या क्लासिफिकेशन डेटा, फीचर बेस्ड, या कोई बिजनेस की हम प्रॉब्लम ले लेंगे, जैसा स्टॉक हो गया, या इसका कोई भी बिजनेस बिहेवियर ट्रेंड, या स्टॉक प्रेडिक्शन, या आपने कोई भी इस तरह का करना है, तो उसके ऊपर LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसको कैसे क्रिएट करते हैं प्री ट्रेन मॉडल ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू, और कैसे उसको चेंज करते हुए फिर हम आगे उसको यूज करेंगे रिग्रेशन डेटा। आज हम देखिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह हम इसको करेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो अब आपने दो काम करने हैं बेटा, एक तो प्री ट्रेन मॉडल्स को लेके चलना है और यूं उसको रीफेस करके, आपने रीचेंज करके ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू, आपने अगर आप ये कोड कर रहे हैं तो आप उसको कहेंगे ट्रांसफर लर्निंग, ये माइंड में रखें, ठीक है। ये आप मेथड यूज चेंज कर सकते हैं, स्केल ग्रेडियंट के अलावा कोई दो तीन वो थे आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा फिर आपने ये करना है, ये आपने एक कर लिया, आपके पास रिजल्ट आगे जिसपे आए तो एक पेपर आपका इजिली लिखा जाएगा। सेकेंड फिर आपने जो सेकेंड वर्क है ना, वो एक्चुअली जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, आप अपना मॉडल डिजाइन करो, उसमें नो डाउट टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, हिट एंड ट्रायल है, मतलब कुछ बेसिक फंडामेंटल आप देख लेंगे, आपने LSTM का देखा, इसमें आपने देखा अच्छा दो कन्वॉल्व है, फिर पूरिंग है, फिर रेलू है, फिर कन्वॉल्व है, कन्वॉल्व के आप कहते हैं अच्छा यहाँ पे दो कन्वॉल्व नहीं है ना, मैं यहाँ पे तीन कन्वोल्यूशन लेयर करके देखता हूँ, मैं इसके फिल्टर साइज चेंज करता हूँ, या फिर रेलू की जगह सिग्माइड यूज करते हैं। तो आप क्या करें, उसी को डिजाइनर के थ्रू आपको उसको पता तो चल जाएगा कि वो क्या यूज कर रहा है, उसके हिसाब से आप अपना एक मॉडल चेंज करें उसमें, लेकिन वेरिएशन कर लें थोड़ी सी, तो उसको टेस्ट करें, क्या पता उससे रिजल्ट अच्छे आ जाए। अगर अच्छे आ जाते हैं तो वो फिर वो ट्रांसफर लर्निंग नहीं होगा, वो क्या होगा, वो आपने न्यू मॉडल पर कोर्स किया, ठीक हो गया वो सोल्यूशन में, फिर आप उसकी पूरा आपको डिटेल देंगे कि जी आप डायग्राम जैसे बनाते हैं जी, कन्वॉल्व पुलिंग, कन्वॉल्व पुलिंग, आपने देखा होगा वो हम डायग्राम बना रहे होते हैं ना, फिर आप उस चीज को लेकर चलोगे। तो ये दो काम है ट्रांसफर लर्निंग, MS के बच्चे ट्रांसफर लर्निंग तक सुफिशियंट है, लेकिन अगर वो करना चाहता है वेल एंड गुड, लेकिन PhD के स्टूडेंट जितने बेटा, वो पहला पेपर ट्रांसफर लर्निंग पे, सेकेंड उनका जो टारगेट होगा वो होगा अपना मॉडल क्रिएट करना, तो उसमें ट्रांसफर लर्निंग के मॉडल को देखते हुए सबसे इजिएस्ट वे क्या है उसमें थोड़ा सा चेंज करें, या कुछ आर्टिकल आप पढ़ते हैं उसमें बताया जी कि ये उसने मॉडल यूज किया है कन्वॉल्व पोलिंग, कन्वॉल्व कन्वॉल्व रेलू, आपको लगता है यार ये मेरे मॉडल पे भी चल सकता है, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम की और इसके प्रॉब्लम के जो सिमिलरिटीज हैं उनमें ना, तो आप उस मॉडल को खुद डिजाइन करके उसमें कुछ चेंज करके उसको अप्लाई करके देख लें। तो जी इस तरह का काम आपने करना है, और जिस पर रिजल्ट अच्छे आ जाए उसको बेटा आपने सेव करना है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी किया था ट्रेनिंग बार वो लोड किया था ना, उसको जब सेव की कमांड लिख के उसको आपने सेव कर लेना है, कि हर बार आपको उसको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, वो जब आर्टिकल अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम पे, उन्होंने अपना ये ट्रेनिंग मैट फाइल, ये वाली फाइल और ये एम फाइल, ये दो फाइलें साथ अपलोड करेंगे, ये माइंड में रखें, ये एम फाइल ये पाइथन में कर रहे हो तो उसका PY फाइल .py, और ये आपने ये दो चीजें उसमें भी ये सेव करने का ऑप्शन होगा डेफिनेटली, तो ये दो चीजें बेटों ने साथ अपलोड करनी है, ये माइंड में रखें, ठीक हो गया, ठीक है सर, बेटा। जी 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 सर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन?
जी जी बेटा, व्हाई नॉट जी, मदद साहब पूछ रहे हैं। सर जजाक अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्वेश्चन ये है कि जो आपने आज हमें टीच किया है, अगर हम, क्योंकि सबसे पहले ना इसी को हमें रिप्रोड्यूस करना चाहिए, जी, अगर जी, हम इस तरह के रिजल्ट्स ले आते हैं तो फिर हम कोई नया मॉडल प्रपोज करते हैं। तो आपसे पूछना है कि एक तरीका तो ये है कि हम आपकी ये जो वीडियो है ये सारी देखें और स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते जाएं और इसको रिप्रोड्यूस कर लें। जी, तो क्या इसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हो और हम परफॉर्म करते जाएं तो हम कॉन्फिडेंट होंगे हमने ये सारा कर लिया है। सर उसमें उसमें बेस्ट है कि दो ये है, जी जी उसमें बेस्ट पे ये है कि मैं ना एम फाइल आपसे शेयर कर देता हूँ, आप उस एम फाइल को खुद चंक्स की फॉर्म में लिखें और फिर उसको रन करें। मैं इसका ना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं बनाया मैंने ना, तो वो चंक्स की फॉर्म में लिखें, रन करें, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको खुद टाइप करें देख के ना। जी जी, और आखिरी क्वेश्चन है सर के इंटरनेट पे अगर हमने ये डेटा सेट या कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़ना है तो वहां पे क्या लिखें कि हमें कुछ इस तरह का काम मिल जाए कि हम उस पे फिर ये रिप्रोड्यूस करने के बाद उस पे काम कर सके। सर एक्चुअली आज हमने दो काम किए। जो पहला काम किया था ये था ट्रांसफर लिखना, तो आप जिसके ऊपर भी आपकी जो है ना एग्रीकल्चर कहने लगा था, ये कौन सी होती है, ये क्लोथ की इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सबसे बेस्ट ट्रांसफर लर्निंग लगा। कैसे, वो क्या करते हैं, कंसेप्ट देता हूँ, एक प्रिंट लिया, एक डिजाइन लिया, एक इमेज लिया, उसके मल्टीपल डिजाइन पैटर्न्स जनरेट कर दिए, वहां पे ट्रांसफर लर्निंग का कंसेप्ट या इमेज प्रोसेसिंग में भी ये यूज हो रहा है। तो वो खैर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई लेट्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ जी, कोई लंग कैंसर पे काम कर रहा है, क्लासेस तो बनी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंगली उसको लेके चले। तो आप अपने डोमेन से रिलेवेंट कोई पेपर ढूंढने, मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा जिसमें आप काम करना चाहते हैं। कोई लंग कैंसर पे कर रहा है, उससे अकॉर्डिंगली पेपर डाउनलोड करें, तो वहां पर उसने डेटा सेट का सोर्स भी दिया होगा, वहां से डेटा सेट को डाउनलोड कर लें और फिर उसको जिस तरह मैंने प्री प्रोसेस करवाया यूं करवा के, उसने बताया भी होगा कि उसने ये मॉडल यूज किया ना, तो आप उस मॉडल को भी यूज कर सकते हैं और अदर्स को भी कर सकते हैं और उसके थ्रू आप उसको करके देखें। पहले आपने ट्रांसफर लर्निंग करना है क्योंकि वो ईजी है, जब वो हो जाए आपको उस पर कमांड थोड़ी सी आ गया, फिर आपने अपने मॉडल्स की तरफ जाना। बिल्कुल सर, ठीक है। और सर और जो अभी आपने, जी जी सर, अच्छा अगर आपको कोडिंग मुश्किल लगती है तो सेकंड वे ये था कि आप डीप डिजाइनर पर आए, यहाँ पर जाके सॉरी आप डिजाइन में जाके ना प्री ट्रेन मॉडल, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, उसमें बहुत सी चीजें ना फिर आपको आसानी हो जाती है समटाइम। यहाँ से अपने जब मैं प्रीवियस आया था ना इससे पहले डीप नेटवर्क डिजाइनर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ This one, यहां से भी आप प्री ट्रेन मॉडल को यूज कर सकते हैं कि अगर आपने वो कोड नहीं ना करना सारे का सारा जो मैंने शुरू में लिखा हुआ है, तो आप यहां से के आके उसको डाटा दे के वो चेंज कर सकते हैं। मींस कि मैं यहां से आता हूं और मैंने अभी किया था, हमने एलेक्सनेट था, इसको ओपन किया, इसको ओपन करके आपने और यहाँ पे आके आपने जो लास्ट थ्री क्लासेस हैं उनको ये यहाँ पर आके चेंज कर लें आप, ठीक है जी, मतलब वो 1000 है ना उसको बाइनरी में ले जाएं और उसके बाद फिर यहाँ से आप उसको इमेज डाटा दें और वो तमाम चीजें करके यहाँ से भी ट्रेन करके उसको आप सेव कर सकते हैं और वैलिडेशन जो मैंने भी कोड करवाया था उसको आप करके कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट कर लें। जी सर। और सर जो जो आपने लास्ट में जो रखा है रोज एंड जो दूसरा था, यानी कि ये सर इसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही कहेंगे? सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्योंकि इसमें जी जी मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा, तो सॉरी सर चलो इसको रहने दें। चलिए आप थोड़ा सा बता दें मुझे, क्योंकि ना अभी पढ़ना पड़ेगा। लीनियर रिग्रेशन में आउटपुट किस किस्म की आती है, बाइनरी फॉर्म में, मतलब क्लासिफिकेशन फॉर्म में होती है सर? सर वो लीनियर रिग्रेशन में तो डेटा कंटीन्यूअसली मूव करता है, बढ़ता रहता है, यानी x एक्सिस की वजह से y एक्सिस भी बढ़ता है, लेकिन जहाँ पे हमने प्रेडिक्शन करना हो कि ट्रू है या फॉल्स है या इसको कोई डिजीज यस या नो, तो वहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होता है, क्योंकि वो बढ़ तो नहीं रही होती लेकिन वो ये प्रेडिक्ट करता है कि इसको ये डिजीज होगी या नहीं, या ये फूल है या नहीं, इस तरह। सर इसको रहने दें सर, आपने बताया ही नहीं, वैसे पूछ रहा था।
हाँ जी ठीक।